ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं, उसके पश्चात आपको रिसीव मिलता है, लेकिन बाद में जाके आपको पता चलता है कुछ जानकारी आप गलत यहाँ पे भर दिए, आपसे मिस्टेक हो गया। यानी आप जो ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए थे या फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे उसमें आपका कुछ गलती हो गया है, तो उसे आप कैसे सुधार करेंगे उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चाहे आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए, दोनों के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है पोर्टल पे, जो भी सर्विस प्लस बिहार का पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी लिंक इस पोर्टल पे नहीं है। अगर एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन रहता तो गलती होता तो एडिट कर लीजिए, ऑप्शन है, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो कैसे एडिट होगा, आप क्या करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है वो गलती ही बन के आएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको दोबारा फिर से यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे थे, जो भी आपका गलती हुआ है उसको दोबारा यहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर से आपका दोबारा सर्टिफिकेट यहाँ पे बनेगा। तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि पिछले बार मैंने अप्लाई किया जिसमें गलती है उसका क्या हुआ, तो वो बेकार हो जाएगा, आप न्यू अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल पे कोई लिंक ही ऐसा नहीं है जिससे हम दोबारा अप्लाई करने के बाद फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो आपके मन में ये जानकारी समझ में आ गई होगी तो जरूर एक लाइक कर दिया, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए और पूछिए। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।